हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 9:30, 9 या 9:30 बजे हैं और मैं हूँ छत पर अपनी मुर्गियों के पास। और वेदर थोड़ा सा ठीक ठीक सही है और न मतलब धूप नहीं निकली है, थोड़ा घटा घटा सी है, ऐसे है वेदर। और देखिए, थोड़ा सा खाना डाला था मैंने चावल, तो ये वही खा रही हैं। और अब मेरे रावण में भी थोड़ी सी परिवर्तन आ गया है, थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। और ये मेरे फोर इडियट्स इसलिए कहती हैं, 4 तो दोस्त हैं और एक इनका बतका दोस्त है। तो ये इतने बड़े बड़े हुए हैं और इनकी ग्रोथ रुक गई क्योंकि इनको मैंने बाथरूम में पाला था, तो विटामिन डी की कमी के कारण, धूप की कमी के कारण इनकी ग्रोथ रुक गई। अगर मैं इन्हें शुरू में ही छत पे ले आती तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती और अब तक ये उस वाले मुर्गे को टक्कर देते। लेकिन वो मेरी गलती रही। मेरी गलती भी क्या रही कि एक बार ऐसा हुआ फ्रेंड्स के मेरे मेरे हस्बैंड मुझे अब शौक से चढ़ गया ना पालने का, तो मेरे हस्बैंड ने 100 मुर्गी के बच्चे लिए। वो नहीं होते जो लाल पीले हरे से कलर के होते, ये बॉलर चिकन ही थे वो, है ना। तो हम सीखना चाह रहे थे बच्चों से कैसे शुरुआत कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बहुत सारे, देखिएगा आप मेरी पुरानी शॉर्ट वीडियो में, बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। उनसे मैं खेल रही थी तो मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, पुरानी वीडियो में मिलेगा आपको वो। तो वो जो 100 बच्चे लाए थे तो हमने सोचा थोड़े थोड़े इन्हें संभाल के देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं हो जाए क्या पता। अगर 100 लिए हैं तो 100 में से 50 तो बच ही जाएंगे, है ना। तो अब 100 बच्चे बाथरूम में तो नहीं रख सकती ना मैं, भाई बाथरूम तो छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए जो ऊपर पिंजरा रखा है ना, आपने देखा होगा अंदर कमरे में रखे हैं 2 पिंजरे, और वो इतने भी मतलब उस पर जाली जाली अगर लगी है, उस पर जाली लगी है बट इतनी भी नहीं कि कोई मोटा चूहा उसके अंदर घुस जाए। अब ये नहीं पता, मतलब छिपकली घुस सकती है, छोटे चूहे भी घुस सकते हैं, मैं मान सकती हूँ छोटे छिपकली छिपकली छोटे चूहे ये उसमें घुस सकते हैं, बट बड़ा मोटा चूहा इसमें नहीं घुस सकता। तो हमने लिए, कुछ देर मैंने नीचे रखा उन्हें, फिर बहुत ऐसे शोर मचाते हैं वो, जैसे चिड़िया बोल रही, बहुत सारी चिड़िया बोलती है ना सुबह सुबह पेड़ पे, ऐसी छू छू करते रहते। तो फिर मैंने सोचा चलिए इन्हें ऊपर छोड़ के आती हूँ। तो मैं थोड़ी देर उनसे खेलती रही और फिर मैं उन्हें जो ऊपर 2 जाल है उसके अंदर उन्हें बंद करके पानी वानी और बाजरा वगैरह रख के मैं नीचे आ गई। तो मैंने सोचा कि नीचे आके खाना बना लेती हूँ, तो मैं नीचे आ गई खाना बना लेती। भाई आधा घंटा नहीं हुआ, आधा घंटा भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ आपको, दिन में ही, दिन की ही बात है, रात की भी नहीं कि रात में परेशानी थी, दिन में ही आधा घंटा नहीं हुआ, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही ऊपर से, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही जैसे कि बस सारी दुनिया की चिड़िया ऊपर ही बोलनी है। अब भगदड़ सी मची ऊपर, मैं कह रही पता नहीं ऊपर ऐसा क्या हो गया, बहुत आवाज़ आ रही। मैं कह मैं इन बच्चों को तो बंद करके, मैं तो टेंशन फ्री थी ना कि मैंने पिंजरा बंद करके रखा था, पिंजरे के अंदर तो बिल्ली जा नहीं सकती, तो आवाज़ कहाँ से आएंगी। तो मुझे लगा मेरा बहम होगा, फिर जब मैंने गौर से सुना तो फिर बहुत आवाज़ आ रही। तो मैं कहने लगी अपने हस्बैंड से, जी दीदी यार देख के तो आइएगा ना, ऊपर इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है जैसे कि मतलब कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई अंदर, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो मेरे हस्बैंड बोले वो गए देखने के लिए, जब उन्होंने देखा तो भाई इतना आतंक ऊपर देख के वो भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने मुझे बोला शबनम ऊपर आ, मैं गई ऊपर, मैंने देखा क्या हुआ है। देखिए ये मुर्गा बैठा ही रहता है, सारा दिन बैठा रहता है, इसके बेचारे के पंजे ख़राब हो गए और कोई अंडा नहीं, कोई अंडा नहीं, और थोड़ी देर बाद देंगी ये अंडे। देखिए अभी कितना पता नहीं इसके क्या हुआ, इतना अच्छा मुर्गा, देखिए इसे फिर मारने लग गया, ये भी तो जीने नहीं देता इसको, जैसे ही कुछ खाने पीने जाएगा तो ये इसको पिटता है नहीं पब्बा सही है, उसको मारता रहता है। मैंने मारा इस पर जग फेंक के, आ तुझे मज़ा चखाती हूँ, आज पहले मैं इसकी तसल्ली कर लूँ फ्रेंड्स, फिर बताऊँगी आपको, आज ना मैं इसकी पिटाई करनी है बस मुर्गे की। ये इतना दुखी करके रखा है मुझे और इस वाले मुर्गे को, अब ठीक होने नहीं देता उसको, जब पीटता रहता है पीटता रहता है। आज इसकी मुझे चटनी बनानी है, रुक जाओ वीरा बात करेंगे थोड़ी देर में, पहले इसकी अच्छी से तसल्ली कर दूँ मैं, कहाँ वाइफ ढूंढ के लाती हूँ पहले, आज उसकी तो तसल्ली कर दूँ पहले ताकि वो उसे मारे ना, बहुत तो अपने को समझ रहा है वो दादा, इसकी पहले इसमें दो चार डंडे रखूँगी। अरे जी नहीं देता बेचारे को, अब देखिए वहाँ खाना डाला और डर के मारे वहाँ छुप गया, वो खाने लग गया उसका खाना, वो खाएगा नहीं ठीक कैसे होगा बताओ आप, जब देखो उसके पीछे पड़ा रहता है। उसमें मारना आया मुझे, मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया उस मुर्गे ने, इसे सेल करूँगी या सब मारूंगी, ज़रा ढूंढ लूँ पहले कहाँ गया वो बदमाश।
सही करना मुझे, उसकी फिटनेस बनानी है उसकी। मुझे दुखी करके रखा है उसने, मुझे जीने नहीं देता इस मुर्गे को बेचारे को। ठीक भी हो जाए तो सब मार मार के उसकी चटनी बनाए रखता है नहीं कुछ पवा सा। जब देखो सब मारता रहता है मारता रहता है। देखो कहाँ है, जरा देखो जरा, देखिए जरा, आज मैं इसकी तसल्ली कर दूँ। सब बहुत दादागिरी चढ़ी है सबको, उसकी पत्नियाँ भी छीन ली। हाँ नहीं तो, और उधर मारता भी है पहले। उसके बाद तो चल रख दूँ उसमें, जरा वाइफर ढूंढ लूँ। ये वाइफर किधर है इसकी, मैंने फुटबॉल बना देनी है बस। मुझे गुस्सा दिला रखा है इसने बहुत ज़्यादा। देखिए ये बेचारे चुपचाप कोने में बैठा डर के मारे, है ना। और उसे मारता रहता है, खाने भी नहीं देता और मारता रहता है। मारूंगी सभी रोजा फ्रेंड, देखती हूँ कहीं मिल नहीं रहा मुझे वाइफर। आ गया अंदर कमीना फिर से। अच्छा देख अब इसकी मैं फुटबॉल बनाती हूँ, रुक जा अभी अभी रुक जा। जग मारा मैंने, फेंक के लगा नहीं उसको, भाग गया। अब तू उसे टच करा, मैंने फिर से चटनी बना देनी है। देख रहा है इसके ना, पीछे पड़ना पड़ेगा नहा दो। चल तू भाग, कहाँ भागेगा आज, आज मैं तेरी तसल्ली ना कर दूँ। भाग कहाँ भागेगा तू, भागूंगी इसके पीछे, इसकी भी पिटाई करनी मुझे। देखो भाग गया अंदर सारा, फिर से अंदर भाग गया। अब कहाँ गया कहाँ गया, वाइफर मिल गया। अब इसकी भी अच्छे से पिटाई मुझे करनी है आज। इधर 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 आ गया शायद। इसकी पत्नियाँ पहले भाग रही, उनकी पत्नियों को थोड़ा ना मार रहा है मुझे। मुर्गी के दो चार रखना है, समझ में आ जाएगा उसे, बेचारे को तंग ना करे। पता नहीं कहाँ गया बदमाश, कहाँ गया कहाँ गया। अरे देखो लगा एक, आया मजे से कुछ, आया मजे से कुछ, अभी को लगे आया मजे से। अभी बहुत मारता है कमीना, उसे जीने नहीं देता बेचारे को, थका दिया इसने मुझे। कहाँ गया, इधर आ गया, बाहर आ गया। अभी बताती हूँ तुझे, अभी एक आध और लगना चाहिए इसमें। ये लगा बच गया फिर से। अरे उसको बेचारे को, मुर्गे को जी नहीं देता, उसे खाने नहीं देता, उसे बिल्कुल बीमार करके रख दिया है नहीं कुछ। तेरे से गर्दन दबा दूंगी, चले चले जा पर कुछ चूहे से, तो है नहीं कुछ बिंटू सा। दिखाता है अपनी बीवी सामने मैं कुछ हूँ। इधर आ गया, अच्छा महाराज जी अब कहाँ जाएगा बता, अब कहाँ जाएगा। थका दिया इसने मुझे, झट ऐसे ही करता रहता है बदमाश। अब उसके पास जाएगा, अब भी तो उसके पास गया, इतना बदमाश है क्या पूछो। बस मैं छोड़ो फ्रेंड इसका चक्कर। तो मैं कह रही थी ना कि जैसे ये पिंजरे रखे हैं ना, इसी में रखे थे मैंने मुर्गी के बच्चे। तो क्या कहते हैं, सारे के सारे पता नहीं किसने मार दिए। दरवाज़ा बंद ही था, खुला भी नहीं था दरवाज़ा, दरवाज़ा भी बंद था। देखिए ये रहे ना पिंजरे, इसमें रखे थे, दरवाज़ा भी बंद था खुला नहीं था। और क्या कहते हैं, देखा तो सारे मरे पड़े हैं, किसने मार दिया हमें तो यही नहीं समझ में आया। मारे तो मारे, किसने मारे। लेकिन एक बात है, हमारे पीछे प्लॉट है खाली, मकान के पीछे प्लॉट है, उसमें एक आंटी ना भैंस वगैरह बांधती हैं, तो सामान भी रखती है भैंस का खाने पीने का। तो उसके वजह से चूहे उसमें बहुत ज़्यादा है, और रखे प्लॉट में तो ऊपर से आ जाते होंगे। लेकिन छोटा चूहा इतने सारे बच्चों कैसे खाएगा, मतलब उसमें से 5-6 ही बच्चे थे, सारे ही मुंडी मरोड़ दी। पता नहीं ऐसा ये किसी ने खोला दरवाज़ा, अंदर घुसा मार दी। आज तक मैं इसी चक्कर में हूँ कि मरा कैसे। चलो ठीक है, बड़े चूहे ने मारा तो बड़े चूहे को जाने की जगह तो होनी चाहिए, उसमें जगह ही नहीं जाने की। दरवाज़ा बंद था और जाल के जो ये गोल गोल से थे ना, उसमें मोटा चूहा नहीं घुस सकता। देखिए फ्रेंड्स अभी दिखाती हूँ आपको, देखिए देख रहे हैं आपको, उसमें कहाँ जाएंगे मोटे मोटे। आज इसके मुर्गे पीछे पड़ी हूँ मैं नहा धो के, देखिए इसमें कहाँ घुस जाएगा चूहा। अब फिर बस इसी डर के मारे मैंने नीचे बाथरूम में पाले थे, लेकिन वहाँ पर भी इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई, मुर्गी के बच्चों की ज़्यादा बड़े नहीं हुए। अब की बार मैं इसमें जाली लगा दूंगी पतले वाली और ऊपर ही रखूंगी। चलिए देखते हैं क्या होता है, पहले से निपट लूँ मैं मुर्गे से। इसने मेरे मुर्गे को मार मार के बीमार कर दिया है, आज ही मैं इसके पीछे ही पड़ के वाईफाई लेगा। इसके अंदर इतना डर बिठा दूंगी ना कि फिर उसे मारेगा नहीं। दिमाग ख़राब करके रखा है, जब देखो सब मारता रहता है मारता रहता है। ओहो थका दिया, अभी भी उसके पास जाके बेशर्म खड़ा हो गया। चले फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।